मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। बीजेपी के विजय संकल्प सभा में महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। बोकारो में आयोजित संकल्प सभा में महिलाओं ने पार्टी में सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाया है। चास की महिला पदाधिकारी ने पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होने को लेकर नेतृत्व पर सवाल उठाया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड में समर्थन मिलने से पार्टी उत्साहित है। पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान के बहाने इन दिनों विजय संकल्प सभा का आयोजन सभी विधानसभा क्षेत्रों में कर रही है। अभिनंदन सा विजय संकल्प सभा का आयोजन के पीछे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की बातें हैं। कार्यकर्ता उत्साहित होंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प सभा का आयोजन कर रही है, लेकिन बोकारो में ठीक इसके उलट हो गया। मौका था कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाया है उससे पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो गया है। भाजपा के बोकारो विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मान और विजय संकल्प सभा आयोजित की जा रही थी। महिला भाजपा नेताओं ने सम्मान नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। पार्टी में झंडा ढोने के बाद भी सम्मान नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। भाजपा लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम आने के बाद झारखंड के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के उद्देश्य से सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन कर रही है। इसी दौरान आज बोकारो विधानसभा क्षेत्र के 588 बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोकारो पहुंचे। मंच से बाबूलाल मरांडी ने भाजपा के बूथ स्तर के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, लेकिन भाजपा उत्तरी मंडल की महामंत्री मंजू देवी ने पार्टी में सम्मान नहीं मिलने पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान मंजू देवी ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यकर्ता पर घर परिवार छोड़कर पार्टी का झंडा लेकर घूमने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है। इस दौरान लोगों ने महिला को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर जमकर अपनी भड़ास निकाल डाली। हम महिला लोग क्या है? वहीं
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को भाजपा की पूंजी बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के पीछे इन कार्यकर्ताओं की शक्ति को बताया है। वहीं जिस तरह के सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं, वैसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने की भी बातें कही। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों के मेहनत और परिश्रम के बदौलत ही आज पार्टी यहाँ तक पहुँची है। अगर केंद्र में आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का होता है और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई हमें उन प्रमुख जो कार्यकर्ता है बूथ पर जो बैठते काम करते उन लोगों का हमें सम्मानित करना और संकल्प भी करना तो कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने। बीजेपी में सम्मान और कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से अभिनंदन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के सवाल चास मंडल की महिला नेत्रियों ने उठाया है उससे बड़ा सवाल पार्टी के जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व पर भी खड़ा हो गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि बोकारो की इन महिलाओं को पार्टी कितना सम्मान देती है। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।